हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चने की फसल के बारे में। तो दोस्तों, अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कि जो चने की फसल है वो फूलों की अवस्था पर है, और इस समय अगर हम कोई गलती कर देते हैं तो हमारी फसल के अंदर है जो फल फूल झड़ने की समस्या आ जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि फल फूल झड़ने की समस्या आती किस कारण से है, किस कारण से हमारे जो चने की फसल है उसके अंदर फल फूल झड़ते हैं। तो दोस्तों, फल फूल झड़ने की समस्या जो ज़्यादातर तो क्या है कि मौसम के बदलाव के कारण, और जो ज़्यादा ठंड पड़ जाती है तो इसके कारण भी फूल झड़ जाते हैं, और तेज़ बारिश भी एक कारण हो सकता है, और अगर हम असंतुलित खाद या कीटनाशकों का उपयोग कर लेते हैं तो भी फूल झड़ सकते हैं। और अगर आपके फसल के अंदर पर्याप्त नमी नहीं है और कीट और रोगों का प्रकोप ज़्यादा है तो भी आपकी फसल के अंदर फूल फल झड़ने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि इनसे हमें बचा कैसे जाए। तो दोस्तों, आपको पहला काम ये करना है कि जो संतुलित मात्रा में आपको खाद का प्रयोग करना है, कहीं पे ज़्यादा यानी कि खाद का उपयोग नहीं करना है, जितनी फसल को ज़रूरत है उतनी ही खाद का प्रयोग करना है। और दोस्तों, फल फूल बनते समय आपको पर्याप्त है जो फसल के अंदर सिंचाई कर देनी है, पर्याप्त नमी हमें फसल के अंदर रखनी है, खेत के अंदर पर्याप्त नमी रखनी है, और कोई भी कीट या रोग का प्रकोप होते ही हमें उसका नियंत्रण कर लेना है, उसका जो रासायनिक या जैविक जो भी नियंत्रण आपके पास उपलब्ध हो वो हमें कर लेना है। तो दोस्तों, फल फूल झड़ने से रोकने के लिए हमें एक रासायनिक दवाई का भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके अंदर कि टेक्निकल की अगर हम बात करें तो उसके अंदर अल्फा नेफेथेलिन एसिटिक एसिड 4.5% SL 10 PPM, जिसे कि हम प्लानोफिक्स भी बोलते हैं, उसको 20 लीटर पानी के हिसाब से 5 ml को 20 लीटर पानी के अंदर मिलाकर छिड़काव कर देना है। और आप इसका दो बार भी छिड़काव कर सकते हैं, पहला तो फूलों के समय और दूसरा छिड़काव है जो जब आप पहला छिड़काव कर लें उससे 20 दिन बाद में भी छिड़काव कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।